तिरुपति के दर्शनीय स्थल। तिरुपति जाने वालों के लिए सबसे प्रमुख आकर्षण का केंद्र है तिरुपति बालाजी मंदिर। साल के 12 महीनों में एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब यहां बालाजी के दर्शन करने के लिए भक्तों का तांता न लगा हो। भगवान वेंकटेश स्वामी को संपूर्ण ब्रह्मांड का स्वामी माना जाता है। तिरुमला पर्वत पर स्थित भगवान तिरुपति बालाजी के मंदिर की महत्ता कौन नहीं जानता। हर साल करोड़ों लोग इस मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह स्थान भारत के सबसे अधिक तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र है। इसके साथ ही इसे विश्व के सर्वाधिक धनी धार्मिक स्थानों में से भी एक माना जाता है। पैदल यात्रियों हेतु पहाड़ी पर चढ़ने के लिए तिरुमला तिरुपति देवस्थानम नामक एक विशेष मार्ग बनाया गया है। इसके द्वारा प्रभु तक पहुंचने की चाह की पूर्ति होती है। साथ ही अलीपीरी से तिरुमला के लिए भी एक मार्ग है। प्रभु वेंकटेश्वर या बालाजी को भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि प्रभु विष्णु ने कुछ समय के लिए स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे निवास किया था। यह तालाब तिरुमला के पास स्थित है। तिरुपति के चारों ओर स्थित पहाड़ियां शेषनाग के सात फनों के आधार पर बनी सप्तगिरी कहलाती है। श्री वेंकटेश्वरैया का यह मंदिर सप्तगिरी की सातवीं पहाड़ी पर स्थित है जो वेंकटाद्री नाम से प्रसिद्ध है। दूसरी मान्यता यह है कि 11वीं शताब्दी में संत रामानुज ने तिरुपति की इस सातवीं पहाड़ी पर चढ़ाई की थी। प्रभु श्रीनिवास उनके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करने के पश्चात वे 120 वर्ष की आयु तक जीवित रहे और जगह जगह घूमकर वेंकटेश्वर भगवान की ख्याति फैलाए। वैकुंठ एकादशी के अवसर पर लोग यहां पर प्रभु के दर्शन के लिए आते हैं। यहां पर आने के पश्चात उनके सभी पाप धुल जाते हैं। मान्यता है कि यहां आने के पश्चात व्यक्ति को जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। बालाजी का यह पवित्र व प्राचीन मंदिर पर्वत की वेंकटाद्री नामक सातवीं चोटी पर स्थित है जो श्री स्वामी पुष्करणी नामक तालाब के किनारे स्थित है। इसी कारण यहां पर बालाजी को भगवान वेंकटेश्वर के नाम से जाना जाता है। यह भारत के उन चुनिंदा मंदिरों में से एक है जिसके पट सभी धर्मानुयायियों के लिए खुले हुए हैं। श्रद्धालु यहां प्रभु को अपने केश समर्पित करते हैं, जिसका अर्थ है कि वे केशों के साथ अपना दंभ व घमंड ईश्वर को समर्पित करते हैं। पुराने समय में यह संस्कार घरों में ही नाई द्वारा संपन्न किया जाता था, पर समय के साथ साथ इस संस्कार का भी केंद्रीकरण हो गया और मंदिर के पास स्थित कल्याण कट्टा नामक स्थान पर यह सामूहिक रूप से संपन्न किया जाने लगा। अब सभी नाई इस स्थान पर ही बैठते हैं, केशदान के पश्चात यहीं पर स्नान करते हैं और फिर पुष्करणी में स्नान के पश्चात मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं। तिरुपति का सबसे प्रमुख पर्व ब्रह्मोत्सवम है, जिसे मूलतः प्रसन्नता का पर्व माना जाता है। 9 दिनों तक चलने वाला यह पर्व साल में एक बार तब मनाया जाता है जब कन्या राशि में सूर्य का आगमन होता है। श्री पद्मावती समूह व मंदिर तिरुचनूर। यह मंदिर तिरुपति से 5 किलोमीटर दूर है। यह मंदिर भगवान वेंकटेश्वर की पत्नी श्री पद्मावती को समर्पित है। कहा जाता है कि तिरुमला की यात्रा तब तक पूरी नहीं हो सकती जब तक इस मंदिर के दर्शन नहीं किए जाते। माना जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर विष्णु के अवतार थे और पद्मावती स्वयं लक्ष्मी की अवतार थी। यहां दर्शन सुबह 6:30 बजे से शुरू हो जाता है। शुक्रवार को दर्शन सुबह 8 बजे के बाद शुरू होता है। तिरुपति से तिरुचनूर के बीच दिन भर बसें चलती हैं। श्री गोविंदराजस्वामी मंदिर। श्री गोविंदराजस्वामी भगवान बालाजी के बड़े भाई हैं। यह मंदिर तिरुपति का मुख्य आकर्षण है। इसका गोपुरम बहुत ही भव्य है जो दूर से ही दिखाई देता है। इस मंदिर का निर्माण संत रामानुजाचार्य ने 1130 ईस्वी में किया था। गोविंदराजस्वामी मंदिर में होने वाले उत्सव और कार्यक्रम वेंकटेश्वर मंदिर के समान ही होते हैं। वार्षिक ब्रह्मोत्सव वैसाख मास में मनाया जाता है। इस मंदिर के प्रांगण में संग्रहालय और छोटे छोटे मंदिर हैं, जिनमें श्री पार्थसारथी गोड़ादेवी आंदल और पुंडरिकावल्ली का मंदिर शामिल है। मंदिर की मुख्य प्रतिमा शयन मूर्ति है।
दर्शन का समय है प्रातः 9:30 बजे से दोपहर 12:30 तक, दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक और शाम 7 से रात 9:45 बजे तक। कोदन राजस्वामी मंदिर। यह मंदिर तिरुपति के मध्य में स्थित है। यहाँ सीता, राम और लक्ष्मण की पूजा होती है। इस मंदिर का निर्माण चोल राजा ने 10वीं शताब्दी में कराया था। इस मंदिर के ठीक सामने आंजनेय स्वामी का मंदिर है, जो श्री कोदंडरम स्वामी मंदिर का ही उपमंदिर है। उगड़ी और श्री रामनवमी का पर्व यहाँ बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कपिलेश्वर स्वामी मंदिर। यह तिरुपति का एकमात्र शिव मंदिर है। यह तिरुपति से 3 किलोमीटर दूर उत्तर में तिरुमला की पहाड़ियों के नीचे स्थित है। यहाँ पर कपिला तीर्थम नामक पवित्र झरना भी है। इसे अलवर तीर्थम के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ महाब्रह्मोत्सव, महाशिवरात्रि, स्कंद षष्ठी और अभिषेकम बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। वर्षा ऋतु में झरने के आसपास का वातावरण बहुत ही मनोरम होता है। कपिल तीर्थम जाने के लिए बस और ऑटो रिक्शा यातायात का मुख्य साधन है। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर। यह मंदिर तिरुपति से 12 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री पद्मावती से शादी के बाद तिरुमला जाने से पहले भगवान वेंकटेश्वर यहाँ ठहरे थे। यहाँ स्थापित भगवान वेंकटेश्वर की पत्थर की विशाल प्रतिमा को रेशमी वस्त्रों, आभूषणों और फूलों से सजाया गया है। वार्षिक ब्रह्मोत्सव और साक्षात्कार वैभवम यहाँ धूमधाम से मनाया जाता है। श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, नारायण वनम। यह मंदिर तिरुपति से 40 किमी दूर है। भगवान श्री वेंकटेश्वर स्वामी और अक्सा महाराज की पुत्री पद्मावती अम्बरु यही परिणय सूत्र में बंधे थे। यहाँ मुख्य रूप से श्री कल्याण वेंकटेश्वर स्वामी की पूजा होती है। यहाँ 5 उपमंदिर भी हैं। श्री पद्मावती अम्बरी मंदिर, श्री अंदल अम्बरी मंदिर, समेता रामुलवरी मंदिर, श्री रंगानायकुल मंदिर और श्री सीता लक्ष्मण मंदिर। इसके अलावा मुख्य मंदिर से जुड़े 5 अन्य मंदिर भी हैं। श्री पराशरेश्वर स्वामी मंदिर, श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर, श्री शक्ति विनायक स्वामी मंदिर, श्री अगस्तेश्वर स्वामी मंदिर और अवनक्षम्मा मंदिर। वार्षिक ब्रह्मोत्सव मुख्य मंदिर श्री वीरभद्र स्वामी मंदिर और अवनक्षम्मा मंदिर में मनाया जाता है। श्री वेद नारायण स्वामी मंदिर, नगलपुरम। नगलपुरम का यह मंदिर तिरुपति से 70 किमी दूर है। माना जाता है कि भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लेकर सोमकुडु नामक राक्षस का यहीं पर संहार किया था। मुख्य गर्भगृह में विष्णु की मत्स्य रूप में प्रतिमा स्थापित है, जिनके दोनों ओर श्रीदेवी और भूदेवी विराजमान है। भगवान द्वारा धारण किया हुआ सुदर्शन चक्र सबसे अधिक आकर्षक लगता है। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर के राजा श्री कृष्णदेव राय ने करवाया था। यह मंदिर विजयनगर की वास्तुकला के दर्शन कराता है। मंदिर में मनाया जाने वाला मुख्य उत्सव ब्रह्मोत्सव और सूर्य टी पूजा है। यह पूजा फाल्गुन मास की 12वीं, 13वीं और 14वीं तिथि को होती है। इस दौरान सूर्य की किरण प्रातः 6 बजे से 15 मिनट तक मुख्य प्रतिमा पर पड़ती है। ऐसा लगता है मानो सूर्य देव स्वयं भगवान की पूजा कर रहे हो। श्री वेणुगोपाल स्वामी मंदिर, कारवेती नगरम। यह मंदिर तिरुपति से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ मुख्य रूप से भगवान वेणुगोपाल की प्रतिमा स्थापित है। उनके साथ उनकी पत्नियां श्री रुक्मणी अम्बरु और श्री सत्सभामा अम्बरु की भी प्रतिमा स्थापित है। यहाँ 1 उपमंदिर भी है। श्री प्रसन्ना वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर, अप्लाईगुंटा। माना जाता है कि श्री पद्मावती अम्बरु से विवाह के पश्चात श्री वेंकटेश्वर स्वामी अम्बरु ने यहीं पर श्री सिद्धेश्वर और अन्य शिष्यों को आशीर्वाद दिया था। आंजनेय स्वामी को समर्पित इस मंदिर का निर्माण करवेती नगर के राजाओं ने करवाया था। कहा जाता है कि आनुवांशिक रोगों से ग्रस्त रोगी अगर यहां आकर वायुदेव की प्रतिमा के आगे प्रार्थना करे तो भगवान जरूर सुनते हैं। यहां देवी पद्मावती और श्री अंदल की मूर्तियां भी हैं। साल में 1 बार ब्रह्मोत्सव मनाया जाता है। स्वामी पुष्करिणी। यह एक पवित्र जलकुंड है। इस कुंड के पानी का प्रयोग केवल मंदिर के कामों के लिए ही किया जा सकता है, जैसे भगवान की प्रतिमा के स्नान के लिए, मंदिर को साफ करने के लिए, मंदिर में रहने वाले परिवारों द्वारा।
इस पानी का उपयोग मुख्य रूप से यहां आने वाले श्रद्धालुओं द्वारा किया जाता है, जो इस कुंड के पवित्र पानी में डुबकी लगाते हैं। कुंड का जल पूरी तरह स्वच्छ और कीटाणु रहित है। माना जाता है कि वैकुंठ में विष्णु पुष्करिणी कुंड में ही स्नान किया करते थे, इसलिए गरुड़ श्री वेंकटेश्वर के लिए इसे धरती पर लेकर आए थे। यह जलकुंड मंदिर से सटा हुआ है। यह भी कहा जाता है कि पुष्करिणी में स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप धुल जाते हैं और भक्त को सभी सुख प्राप्त होते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पूर्व भक्त यहां डुबकी लगाते हैं। ऐसा करने से शरीर व आत्मा दोनों पवित्र हो जाते हैं। आकाशगंगा वॉटरफॉल। आकाशगंगा वॉटरफॉल तिरुमला मंदिर से 3 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। इसकी प्रसिद्धि का मुख्य कारण यह है कि इसी जल से भगवान को स्नान कराया जाता है। पहाड़ी से निकलता पानी तेजी से नीचे घाटी में गिरता है। बारिश के दिनों में यहाँ का दृश्य बहुत ही मनमोहक लगता है। श्री वराह स्वामी मंदिर। तिरुमला के उत्तर में स्थित श्री वराह स्वामी का प्रसिद्ध मंदिर पुष्करिणी के किनारे स्थित है। यह मंदिर भगवान विष्णु के अवतार वराह स्वामी को समर्पित है। ऐसा माना जाता है कि तिरुमला मूल रूप से आदि वराह क्षेत्र था और वराह स्वामी की अनुमति के बाद ही भगवान वेंकटेश्वर ने यहां अपना निवास स्थान बनाया। ब्रह्म पुराण के अनुसार नैवेद्यम सबसे पहले श्री वराह स्वामी को चढ़ाना चाहिए और श्री वेंकटेश्वर मंदिर जाने से पहले यहां दर्शन करने चाहिए। अत्रि समहित के अनुसार वराह अवतार की 3 रूपों में पूजा की जाती है, आदि वराह, प्रलय वराह और यजना वराह। तिरुमला के श्री वराह स्वामी मंदिर में इनके आदि वराह रूप में दर्शन होते हैं। श्री बेदी अंजनेय स्वामी मंदिर। स्वामी पुष्करिणी के उत्तर पूर्व में स्थित यह मंदिर श्री वराह स्वामी मंदिर के ठीक सामने है। यह मंदिर हनुमान जी को समर्पित है। यहां स्थापित भगवान की प्रतिमा के हाथ प्रार्थना की अवस्था है। अभिषेक रविवार के दिन होता है और यहां हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। टीटीडी गार्डन। तिरुमला और तिरुपति के आसपास बने इन खूबसूरत बगीचों से तिरुमला के मंदिरों के सभी जरूरतों को पूरा किया जाता है। इन फूलों का प्रयोग भगवान और मंडप को सजाने, पंडाल निर्माण में किया जाता है। ध्यान मंदिरम। मूल रूप से यह श्री वेंकटेश्वर संग्रहालय था, जिसकी स्थापना 1980 में की गई थी। पत्थर और लकड़ी की बनी वस्तुएं, पूजा सामग्री, पारंपरिक कला और वास्तुशिल्प से संबंधित वस्तुओं का प्रदर्शन किया गया है। तिरुपति की यात्रा कैसे करें? तिरुपति देश के सभी प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग, रेल मार्ग और सड़क मार्ग से जुड़ा है। हवाई मार्ग। यहां से निकटम हवाई अड्डा रेनीगुंटा में स्थित है। प्रमुख शहरों से तिरुपति के बीच प्रतिदिन सीधी उड़ान उपलब्ध है। रेल मार्ग। यहाँ से सबसे पास का रेलवे जंक्शन तिरुपति है। यहाँ से बेंगलोर, चेन्नई और हैदराबाद के लिए हर समय ट्रेन उपलब्ध है। तिरुपति के पास के शहर रेनीगुंटा और गुडूर तक भी ट्रेन चलती है। सड़क मार्ग। राज्य के विभिन्न भागों से तिरुपति और तिरुमला के लिए APSRTC की बसें नियमित रूप से चलती हैं। TTD भी तिरुपति और तिरुमला के बीच निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराती है। यहाँ के लिए टैक्सी भी मिलती है।